अलग अलग विशेषज्ञताओं वाली 10,000 बसें सार्वजनिक निजी भागीदारी क्लस्टर योजना के तहत निजी क्षेत्र से लाने का प्रस्ताव कर रही है। ट्रांसपोर्ट के अंदर 3,000 नई बसेस खरीदने का प्रावधान है। 2019-20 से DTC के बेड़े में 1,000 नई बसें जोड़ी जाएंगी। इसके साथ साथ क्लस्टर सेवा के तहत 1,000 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें CNG बसें, 1,000 लो फ्लोर AC CNG बसें और 1,000 लो फ्लोर AC इलेक्ट्रिक बसें शामिल करना शुरू किया जाएगा। इस तरह दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सरकार ने 4,000 नई बसें सड़क पर लाने का काम शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर 2,485 नई बसें वर्ष 2020-21 के दौरान बेड़े में शामिल की जाएंगी और 1,880 बसें जिसमें 444 DTC और 1,436 2021-22 में खरीदी जाएंगी। इस तरह 11,000 बसों का बेड़ा बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हुए दिल्ली में पहली बार करीब एक साल के अंदर 1,600 बसों का फ्लीट, पहली बार इतना बड़ा एडिशन दिल्ली के बस फ्लीट में हुआ है। 1,600 बसें लगभग एक साल के अंदर हो गई हैं और इस साल सितंबर तक इसमें 1,000 और बसें जुड़ जाएंगी। इस साल 1,000 बस और जुड़ने के बाद ये संख्या 7,693 पहुंच जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि हम 11,000 की फ्लीट दिल्ली में बसों की करें। 2011 से के बाद से आज तक DTC के बेड़े में एक भी नई बस नहीं आई थी।